जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की इस क्लास में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर वर्णमाला चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने वर्णमाला का बेसिक ओवरव्यू देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके से इनसे यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिये, हिंदी वर्णमाला में वर्ण, स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्वर जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं, जिसमें कि पहला तरीका है आपका मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से है, तो सबसे पहला प्रकार यहाँ पर देखते हैं हम, ह्रस्व स्वर। तो सबसे पहला का जो प्रकार है मात्रा के आधार पर, उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को यहाँ पर हम मूल स्वर भी कहते हैं, इसको ही हम यहाँ पर लघु स्वर भी कहते हैं, और इसी को यहाँ पर हम छोटा स्वर, और इसी को यहाँ पर एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर के जो अन्य नाम है वो यहाँ पर मैंने सभी लिख दिया है। आपके एग्जाम में कुछ भी नाम देकर यहाँ पर पूछ सकता है, तो आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं, और एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो, एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगता हो, एक मात्रा का समय लगता हो, उन्हें 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 ह्रस्व ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर कहते कहते हैं, ठीक है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों को हम बोलते समय एक मात्रा का समय लगे, उसको यहाँ पर ह्रस्व स्वर कहते हैं, या फिर उसको यहाँ पर मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, छोटा स्वर कहते हैं, या फिर उसको एकमात्रिक स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनकी संख्या केवल चार है। कौन कौन से है देख लीजिए, जिसमें है आपका ए छोटी ई छोटा ऊ और एक हो जाएगा आपका री। ये चार स्वर जो है इनको ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है, ये ही मूल स्वर भी आपके कहे जाते हैं, इन्हीं को लघु स्वर, छोटा स्वर और एकमात्रिक स्वर सभी इन्हीं के नाम है। इनके यहाँ पर आप अलग अलग टुकड़े नहीं कर सकते, इनको आप और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते, इसलिए ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी इनको बोलते समय आपको एक ही मात्रा का समय लगता है। बेसिकली जितने भी स्वर होते हैं ना, वो सभी मात्रा ही होते हैं, तो इनको लिखने के लिए यहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग होता है, तो एकमात्रिक स्वर इसीलिए इनको यहाँ पर कह दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर दूसरा प्रकार, मात्रा के आधार पर जो दूसरा स्वर होता है वो हो जाता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मात्रा के आधार पर दूसरा प्रकार है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है। इसको यहाँ पर बड़ा स्वर भी कहा जाता है, बड़ा स्वर, ठीक है। इसको यहाँ पर गुरु स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, गुरु स्वर, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर, इसको तो लघु स्वर कहते थे, इसको यहाँ पर गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है, गुरु स्वर। तो दीर्घ स्वर के अन्य नाम क्या क्या है, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, गुरु स्वर, और यहाँ पर द्विमात्रिक स्वर भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा भी चलिए लिख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है, ठीक है, यानी लघु स्वर से दुगना समय लगता है, ठीक है, ऐसे बोलेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से, लघु स्वर से दो गुना समय लगता है, दो गुना समय
समय लगता है, लगता लगता है, ठीक है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उनको यहाँ पर दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। उन्हें उन्हें दीर्घ दीर्घ स्वर कहते कहते हैं, ठीक है। जिनमें जिनके उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उनको यहाँ पर दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या टोटल 7 होती है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, एक तो हो जाएगा आपका आ, ठीक है, एक हो जाएगा बड़ी ई, एक हो जाएगा बड़ा ऊ, एक हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा ओ और फिर हो जाएगा आउ, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनकी संख्या हो गई यहाँ पर टोटल 7। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 7 हो जाएगी। कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिएगा, आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ, ठीक है। अब ये जो दीर्घ स्वर है इनमें 3 स्वर ऐसे है जो कि मूल दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो मूल दीर्घ स्वर यहाँ पर लिख लीजिए हेडिंग, मैं इनके आपको नोट्स भी दे दूंगा जो कि आपके प्रिंटेबल होंगे, आप उनको प्रिंट भी करा सकते हैं। काफ़ी अच्छे साफ सुथरे नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन दीर्घ स्वरों में 7 दीर्घ स्वर है, इनमें 3 मूल दीर्घ स्वर है, वे कौन कौन से है चलो देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो एक तो हो जाएगा आपका आ, एक हो जाएगा ई और एक हो जाएगा ऊ, ठीक है। ये आपके जो है मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनको भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, तो इन तीनों को ही आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन मिले उसको आपको टिक कर देना है। और उसके बाद जो बच गए हैं ये बाकी के कौन कौन से बच गए, देखिए ये भी आ गया मूल दीर्घ स्वर में, ये भी आ गया और ये भी आ गया, और ये जो बाकी के बचे हैं ये 4, ठीक है। ये जो 4 है दीर्घ स्वर, इनको यहाँ पर संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त स्वर भी इनको यहाँ पर कहा जाता है, ये भी आप लिख लीजिएगा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर अगर आपसे पूछ ले जाए तो ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं, ठीक है। पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे से मेंशन करके दिया हुआ है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए आपके रहस्य स्वर हो गए आपके 4 और दीर्घ स्वर हो गए आपके टोटल 7। इन 7 में से आपके मूल दीर्घ स्वर हो गए आपके 3 आ ई ऊ, और ये 4 हो गए आपके संयुक्त स्वर, ठीक है। ये इतनी बात आपके क्लियर हुई होगी ऐसी उम्मीद है। तो चलिए अब एक और प्रकार यहाँ पर बच गया है मात्रा के आधार पर, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। तो उसको यहाँ पर बोलने की लिखने की तो शायद जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उनको यहाँ पर प्लुत स्वर कहते हैं। अब 3 मात्रा का देखिए, एकमात्रिक स्वर में तो 1 मात्रा का समय लगा, द्विमात्रिक में इसको 2 मात्रा का समय लगा और 3मात्रिक में 3 मात्रा का स्वर लगेगा। मैं तीनों को आपको एक एक करके बोलकर दिखाता हूँ, तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। देखिए जैसे अ, इसको बोला अ, एक मात्रा का समय लगा, लेकिन यहाँ पर अ बोलेंगे इसको अ, 2 मात्रा का समय लगा। और इसी तरीके से जैसे कि हम ओम बोलते हैं, ओम को हम देखें कितना खींच कर बोलते हैं ओम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 3 मात्रा का समय लगाकर ओम को बोला जाता है। तो जिन भी स्वरों को 3 मात्रा का समय लगाकर बोला जाता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। ये प्लुत स्वर जो है प्राय उच्चारण के आधार पर ही प्रयोग होते हैं, लिखित में इनका कोई मायना नहीं होता है। उच्चारण के आधार पर भी ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये किसी संगीत में, किसी गाने में, किसी भजन में, ये भजन कीर्तन होते हैं ना जो, इनमें गाने के लिए ही प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भजन गा लीजिए रघुपति राघव राजा राम, बहुत खींच खींच कर गाते हैं ना, कुछ लैसी बनाकर जो गाने गाते हैं, संगीत गाते हैं, उनमें ही प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों स्वर आप समझ गए होंगे, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर मैंने आपको बताए, रहस्य स्वर और आपका दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर जो कि आपको मैंने मौखिक रूप से बताया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जाति के आधार पर स्वर, ठीक है। एक प्रकार तो हमने पढ़ लिया मात्रा के आधार पर स्वर, अब दूसरा प्रकार पढ़ते हैं यहाँ पर जाति के आधार पर स्वर, ठीक है। जाति के आधार
आधार पर स्वर, ठीक है, जाति के आधार पर स्वर। तो जाति के आधार पर स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला हो जाएगा सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, ठीक है, सजातीय, और दूसरा हो जाएगा विजातीय, ठीक है, विजातीय, ठीक है। ये दो प्रकार के स्वर हो जाएंगे आपके जाति के आधार पर, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। अब सजातीय और विजातीय कैसे होते हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। एक तरफ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सजातीय स्वर, सजातीय, सजातीय स्वर, ठीक है, और दूसरी साइड में लिख लेता हूँ विजातीय स्वर, विजातीय, विजातीय स्वर, ठीक है। अब देखिए सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है यहाँ पर तीन। तो सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, तीन, एक तो हो जाएगा आ, एक हो जाएगा बड़ी ई, और एक हो जाएगा बड़ा ऊ, ठीक है। ये आपके सजातीय स्वर कहे जाते हैं क्योंकि ये एक ही जाति से मिलकर बने होते हैं। कैसे बने होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए आ का निर्माण कैसे हुआ होगा, ये देखिए ए प्लस ए, ठीक है, इन दोनों से मिलकर आ का निर्माण हुआ है। अब देखिए ये भी ए है और ये भी है, दोनों एक ही जाति के हैं, इसकी भी जाति एक है और इसकी भी जाति दोनों की सेम है। जब दोनों की जाति सेम है तो इसी के आधार पर इसको बना दिया जाता है सजातीय स्वर। तो ये हो गया आपका सजातीय स्वर। ठीक ऐसे यहाँ पर बड़ी ई है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, छोटी ई प्लस छोटी ई, ठीक है, ये भी दोनों एक ही जाति के हैं, इन एक ही जाति से मिलकर बना है आपका बड़ी ई, ठीक है, इसलिए इसको भी सजातीय स्वर कहा जाता है। ठीक ऐसे यहाँ पर ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का निर्माण कैसे हुआ होगा, इसमें भी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ठीक है, ये देखिए अभी ये भी दोनों एक ही जाति के हैं, इन दोनों एक ही जाति से मिलकर जो बना है ये बड़ा ऊ बना है, इसलिए इन तीनों को जो है यहाँ पर सजातीय स्वर कहा जाता है, इनकी संख्या तीन है। आपने गौर किया होगा ये जो सजातीय स्वर है मैं अभी आपको पीछे बताया, इनको ही यहाँ पर मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, अभी मैंने पीछे वीडियो में बताया ना आपको मूल दीर्घ स्वर की संख्या भी तीन होती है और सजातीय स्वर की संख्या भी तीन होती है, और तीनों ये आपस में एक ही होते हैं, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर विजातीय स्वर, विजातीय स्वर किन्हें कहेंगे, जो अलग अलग जाति से मिलकर बने होंगे उनको विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका, और ये होगा आई, और ये हो गया ओ, और ये हो जाएगा आपका औ, ठीक है, ये आपके चार स्वर है, इनको यहाँ पर विजातीय स्वर भी कहा जाता है। आपने गौर किया होगा ये जो चार स्वर है अभी मैं पीछे आपको बताकर आया हूँ, इनको ही यहाँ पर संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त स्वर इनको क्यों कहा जाता है वहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अब बताऊँगा कि इनको यहाँ पर संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है और साथ ही साथ इनको विजातीय स्वर क्यों कहा जाता है, दोनों एक ही जगह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनका ए का निर्माण कैसे हुआ है और आई का निर्माण कैसे हुआ है, ओ का निर्माण और औ का निर्माण, इनका निर्माण देखिए किन किन से मिलकर बना है। तो देखिए ए का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है ए प्लस ई, ठीक है, ए प्लस ई, इन दोनों से मिलकर जो बना है वो ए बना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो आई बना है वो बना है आपका ए प्लस ए, ठीक है, ए प्लस ए, इन दोनों से मिलकर बना है आई, ठीक है। अब देखिए ये अलग जाति का है और ये अलग जाति का है, दोनों अलग अलग जाति के हैं इसलिए ये हो जाएगा विजातीय स्वर, ठीक है, अलग अलग जाति से मिलकर बना है ना ये, इसीलिए विजातीय स्वर कहलाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये ए है और ये ए है, ये भी दोनों अलग अलग हो गए, और जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो अलग अलग जाति से मिलकर बने हैं, तो अलग अलग जाति से मिलकर बने हैं तो ये भी आपका विजातीय स्वर कहलाएगा। विजातीय का मतलब भी होता है जो अलग अलग जाति से मिलकर बना हो, ठीक है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ओ देख लीजिए, ये बना है आपका ए प्लस ऊ, इनसे मिलकर बना है ये ओ, ठीक है, और ऐसे ही औ देख लीजिए, ये बना है आपका ए प्लस ओ, इन दोनों से मिलकर बना है औ, ठीक है। अब देखिए इसकी भी जाति अलग अलग है तो इसलिए ये विजातीय स्वर, इनकी भी जाति अलग अलग है तो इसलिए ये विजातीय स्वर, ठीक है। अब संयुक्त स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक से अधिक स्वर होते हैं, ठीक है भाई, इनमें एक से अधिक स्वर होते हैं ना,
इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। एक से अधिक स्वर वो भी अलग अलग, जैसे कि ये देखिए ए स्वर है, ई स्वर है, दोनों अलग अलग स्वर हो गए, इन दोनों से मिलकर बन गया ये, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त उसी को बोलते हैं जिसमें दो चीज़ों का मर्जअप हो जाता है, दो चीज़ों का मिक्सअप हो जाता है, उसको यहाँ पर संयुक्त बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए विजातीय स्वर भी कहलाते हैं और संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? चार है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो जाति के आधार पर स्वर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। दोनों ही यहाँ पर मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर स्वर का जो तीसरा प्रकार है वो है आपका जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण चलिए देखते हैं। तो तीसरे नंबर का स्वर जो बनेगा वो आपका जिह्वा के आधार पर बनेगा, यानी जिह्वा को हम किस तरीके से पोजिशन में रखकर बोलते हैं। तो जिह्वा के आधार, जिह्वा के आधार पर स्वर, ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला है यहाँ पर, पहले स्वर को क्या बोलेंगे? अग्रस्वर। ठीक है, पहले स्वर को बोलेंगे अग्रस्वर। ठीक है, अग्रस्वर। ठीक है, ये जिह्वा के आधार पर हो जाता है अग्रस्वर। दूसरा हो जाता है यहाँ पर मध्य स्वर। ठीक है, मध्य स्वर, ये हो गया आपका मध्य स्वर। और एक हो जाएगा आपका पश्च स्वर, ये होगा तीसरा प्रकार, पश्च स्वर। ठीक है, ये आपके जिह्वा के आधार पर हो गए अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा अग्रस्वर, हो जाएगा आपका ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे आपके अग्रस्वर। ठीक है, अग्रस्वर को ध्यान कैसे रखना है देख लीजिए। अग्रस्वर में सभी में देखिए ये इस तरीके की ऐसा ऐसे आकृति आपको मिलेगी। ठीक है, ये ऐसी आकृति मिलेगी। देखिए इसमें भी ऐसी आकृति है, रह वाली आकृति, इसमें या नीचे ई में भी रह वाली आकृति है, इसमें भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जस्ट एक ध्यान रखने के लिए मैंने आपको छोटी सी पहचान बताई है, आप अपनी पहचान भी इसमें कुछ ढूंढ सकते हैं इसको याद करने की। तो अग्रस्वर देख लीजिए कितने हैं, चार। कौन कौन से है? छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ए, बड़ी ए। ठीक है, इनको ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद है मध्य स्वर। मध्य स्वर जो होता है आपका एक होता है, ये देखिए ये हो गया आपका मध्य स्वर। ठीक है, ए, ये सिर्फ इसकी संख्या एक ही होती है, इसी को यहाँ पर उदासीन स्वर भी बोला जाता है। मैं आप ब्रैकेट में लिख देता हूँ उदासीन स्वर, ये ही आपका उदासीन स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो उदासीन स्वर अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा होता है, तो उदासीन स्वर आपका ए होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? तो पश्च स्वर देख लीजिए यहाँ पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ की ओखली वाला ओ, और ये हो गया औ। ठीक है, ये हो गया छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और एक हो जाएगा आपका आ। ठीक है, ये हो गए आपके पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर स्वर तीन तरीके के, देखिए अग्रस्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। मध्य स्वर एक है, केवल आपको ए ध्यान रखना है। ए जो होता है वो जीभ के मध्य के भाग से बोला जाता है ए, इसलिए इसको उदासीन स्वर भी कहा जाता है। यहीं पर बात करें पश्च स्वर की, पश्च स्वर आपके होते हैं यहाँ पर पांच। कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। ठीक है, तो ये देखिए जो पश्च स्वर है इनको याद करने की मैं एक बेहतरीन पहचान आपको बताता हूँ, उसका ध्यान रखना है। तो देखिए ये आकृति देखिए तीन, तीन की आकृति है, तो तीन की आकृति जिसमें भी मिल जाएगी वो आपका पश्च स्वर होता है, सिवाय एक के, ए को छोड़कर। ठीक है, ए में भी तीन की आकृति है, इसको छोड़कर बाकी जिसमें भी आपको तीन की आकृति मिल जाए वो स्वर आपका पश्च स्वर कहलाता है। जैसे कि देखिए ऊ में भी तीन की आकृति है, बड़ा ऊ में भी तीन की आकृति है, और ए में भी, ओ में भी तीन की आकृति है, औ में भी तीन की आकृति है, और आ में तो तीन की आकृति है ही है। ठीक है, तो इस तीन की आकृति से आप पश्च स्वर को पहचान सकते हैं। बस एक आपका ए जो है इसको आपको इसमें काउंट नहीं करना है, ए अपने आप में मध्य स्वर होता है और ये उदासीन स्वर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसकी पहचान यहाँ पर मैंने आपको बताई दी, ये आपके याद हो ही जाएगा और इनको आप ऐसे ही याद कर लेंगे जो बच जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, देखिए टोटल कितने स्वर थे? 11 स्वर थे ना। अब 11 स्वरों में देखिए कितने हो गए, पांच तो ये हो गए और चार ही हो गए, पांच और चार नौ और एक ही हो गया 10।
तो बात करते हैं यहाँ पर कि स्वर तो केवल हमारे 11 थे, तो ये तो 10 ही है, तो री का ऋषि कहाँ जाएगा? तो री जो है वो जिह्वा के आधार पर काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। री का ऋषि वाला जो री होता है ना, वो जिह्वा के आधार पर काउंट नहीं किया जाता, इसलिए उसको इनमें नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये जिह्वा के आधार पर आप अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर स्वर का चौथा प्रकार, जो कि आपका मुख खुलने के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिए, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार, मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है। तो ये होगा आपका मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। ये एक हो जाएगा आपका संवृत, संवृत स्वर, ठीक है। ये हो गया संवृत। एक हो जाएगा आपका अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है, अर्ध संवृत। एक हो जाएगा आपका विवृत, ये हो जाएगा विवृत, विवृत। और एक हो जाएगा आपका चौथा नंबर अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, ठीक है। इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो चार तरीके से किया गया है, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए मुख, मुख जो है इसमें लगभग बंद रहता है, मुख लगभग, लगभग बंद। तो इसमें तो मुख लगभग बंद रहता है, इसमें मुख आधा बंद रहता है, इसमें होता है मुख आधा बंद, आधा बंद, ठीक है। मुख लगभग बंद, मुख आधा बंद, ठीक है। और इसमें, इसमें होता है मुख पूरा खुला, मुख पूरा खुला हुआ होता है, ठीक है। यानी हमारा जो मुंह है, जब हम उच्चारण इनका करते हैं तो हमारा जो मुख होता है वो पूरा खुल जाता है विवृत के केस में। तो मुख पूरा खुला हुआ, तो मुख पूरा खुला। और अर्धविवृत में क्या होगा, मुख आधा खुला, ठीक है, मुख आधा, आधा खुला, ठीक है। ये हो गया मुख आधा खुला। तो ये हो गए आपके चार केस। संवृत के केस में मुख लगभग बंद रहेगा, सारा नहीं रहेगा, लगभग बंद रहेगा, थोड़ा मात्र खुला रहेगा, ठीक है। तो अर्ध संवृत में आपका मुख आधा बंद रहेगा, आधा खुला हुआ होगा। विवृत में आपका पूरा मुख खुला का खुला रहेगा, जैसे कि आ, आ का उच्चारण करते हैं ना, आ, तो देखिए पूरा मुंह खोल कर ही हम उसका उच्चारण कर पाते हैं, तो इसलिए इसको पूरा मुख खुला हुआ मिलता है विवृत के केस में। और मुख आधा खुला हुआ मिलेगा अर्ध विवृत के केस में। अब ये कौन कौन से होते हैं, चलिए इन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए संवृत स्वर जो होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। ये आपके जो होते हैं चारों, ये आपके संवृत स्वर होते हैं। अब इनको याद करने की एक ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक चलिए बाद में बताऊंगा, मैं पहले यहाँ पर सारे के सभी को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अर्ध संवृत कौन सा होगा, अर्ध संवृत हो जाएगा आपका ओ और ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अर्ध संवृत, ठीक है। अब देखिए विवृत, विवृत आपका केवल एक होता है अ, ये आपका विवृत आ जाएगा, ठीक है। और अर्ध विवृत हो जाएगा आपके ए, आई और औ, ये आपके हो जाएंगे अर्ध विवृत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुख खुलने के आधार पर स्वरों को जो वर्गीकरण किया, चार तरीके से किया। संवृत, इसमें मुख लगभग आपका बंद रहता है, और ये कौन कौन से स्वर होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है। ऐसे ही अर्ध संवृत, इसमें मुख लगभग आधा बंद रहता है, और इसमें कौन कौन से स्वर होते हैं, ओ और ए। ऐसे होता है यहाँ पर विवृत, विवृत में आपका मुख पूरा खुला हुआ होगा जब आप इसका उच्चारण करेंगे, और इसकी संख्या जो है यहाँ पर एक है, जो कि आपका अ है, ये आपका विवृत होता है। अर्धविवृत में आपका मुख जो है लगभग आधा खुला रहेगा और आधा बंद रहेगा, इसमें आपके आते हैं ए, आई, ओ। अब चलिए इनको याद कर लेते हैं कि इनको याद कैसे करेंगे। तो देखिए
इसको मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिख देता हूँ, उई उई, ये उई आपको ध्यान रखना है। अब देखिए संवरत, संवरत का मतलब सुई, संवरत मतलब पूरा, और देखिए सुई, सुई से मान लीजिए इसको, सुई सी की आवाज निकालना था संवरत, जब किसी को सुई पूरी चुभती है तो वो किस तरीके से करता है, उई एकदम ऐसे करता है ना, उई, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लीजिए। मैंने कुछ ट्रिक बना रखी है अपने याद करने की, तो आपको सोचा आपको बता दूँ, आपके शायद काम आ जाए। तो संवरत इसका मतलब जब किसी को संवरत पूरी सुई लगेगी तो वो किस तरह करेगा, एकदम उई, एकदम करेगा ना उई, तो उई इस ऊ से तो ये दोनों ऊ आ जाएंगे, ये भी और ये भी, और इस ई से दोनों ई आ जाएंगे, ठीक है। तो संवरत से आप उई का ध्यान रखिएगा और उई से इन दोनों को यहाँ पर निकाल लेना चारों को, ठीक है। तो ये तो होगा आपकी इसकी ट्रिक, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए अर्ध संवरत, अब देखिए यहाँ तो सुई पूरी लगी तो उई करी, लेकिन जब सुई आधी लगाएगा, मान लीजिए आपके कोई सुई लगा लग रहा, उसने पूरी नहीं लगाई बल्कि आधी लगाई, थोड़ी सी चुभ है ना, तो एकदम एकदम क्या करेगा आप, ओए, एकदम कहोगे नहीं, ओए भाई क्या कर रहा, तो इस तरीके से करेगा, जैसे सुई लगाएंगे एकदम करेगा, ओए क्या कर रहा है, ओए, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ओए, इसको आप ओए से याद रख सकते हैं, ओए, ठीक है, ये ओए। सुई पूरी लगेगी तो संवृत, उई की आवाज निकलेगी तो उई से, इन चारों को याद रख लीजिएगा। सुई आधी लगेगी यानी कि संवृत अर्ध संवृत, तो ओए की आवाज निकलेगी, इसको ओए से ध्यान रख लीजिएगा। और विव्रत के केस में तो आपको कुछ ध्यान रखना ही नहीं है, सीधा का सीधा एक ही है, अ। विव्रत का मतलब होता है जब आप किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह पूरा का पूरा खुलेगा, जैसे कि आ, देखिए आ पूरा मुंह खुल रहा है ना, तो इसलिए एक ही स्वर है जिसमें पूरा मुंह खुलता है, यह है आपका आ, ठीक। ऐसे यहाँ पर अर्धविव्रत, अर्धविव्रत के केस में आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं, ऐ ऐ औ, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई है, आपके पास कोई ट्रिक बनती हो तो आप उसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने आपको बताई दिए, आप इन दोनों को याद रखोगे ना, इन तीनों को, तो ये तो आप ऑटोमेटिक ही कर जाओगे, ठीक है। इन तीनों को याद आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, संवृत अर्ध संवृत विव्रत और अर्धविव्रत, ठीक है। तो स्वरों के चारों प्रकार यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। आइए स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूँ, जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें भी उनका कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, तो वे अलग से ही लिखवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो पहली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर वर्णमाला में कुल स्वर, ठीक है। वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, 11, ठीक है। और यहाँ पर उच्चारण के आधार पर स्वर अगर आपसे पूछे जाए, उच्चारण के आधार पर स्वर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर जो होंगे आपके वो हो जाएंगे 10, ठीक है। उच्चारण के आधार पर री को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको जीवा के आधार पर बताए थे ना, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, उनमें भी री को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वे उच्चारण की कैटेगरी में आते हैं। और जब भी उच्चारण का मतलब होता है जब बोलकर, अगर लिखने के आधार पर देखेंगे तो आपके टोटल 11 स्वर लिखे जाएंगे, और उच्चारण का मतलब होता है बोलकर, तो बोलने के आधार पर या फिर उच्चारण के आधार पर आपके जो स्वर होंगे वो होंगे आपके 10, इसमें री को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। यहीं पर बात करते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी लिख लीजिए, अर्थ के आधार पर स्वर, तो अर्थ के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं, ये भी लिख लीजिए, कुल कितनी मात्राएं होती है, तो वर्णमाला में कुल मात्राएं जो होती है वो होती है आपकी 10। मात्राओं में अ की मात्रा नहीं गिनी जाती, अ जो होता है वो कोई भी मात्रा नहीं देता है, इसलिए अ की गिनती मात्राओं में नहीं होती, इसलिए वर्णमाला में कुल मात्राएं जो होती है वो 10 होती है, ठीक। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए वर्णमाला में कुल कितने मूल स्वर है, मूल स्वर तो मूल स्वर आपके कितने हैं, मूल स्वर मैंने अभी आपको 4 बताया था, कौन कौन से, अ, ई, ऊ और री, ठीक है, ये मूल स्वर है आपके वर्णमाला के, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए
कितने स्वरों का कितने स्वर का रहस्य नहीं होता, रहस्य नहीं होता। इसका क्या मतलब है? कितने स्वर ऐसे हैं जिनका रहस्य नहीं होता, यानी जो छोटे नहीं हो सकते, जो एकमात्रिक नहीं बन सकते। तो ऐसे चार स्वर हैं। कौन कौन से चार स्वर हैं? विसंयुक्त स्वर जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये देखिए ए आई ओ और ये औ, ठीक है। ये चार स्वर जो है इनका ह्रस्व नहीं हो सकता, बाकी का ह्रस्व हो सकता है। जैसे कि देखिए बड़ा ऊ है, ये इसका ह्रस्व स्वर बन सकता है? नहीं बन सकता है। ये किन किन से मिलकर बना है? ये छोटे ऊ से मिलकर बना है प्लस छोटे ऊ से मिलकर बना है, ठीक है, हो गया ना इसका ह्रस्व। लेकिन इनका ह्रस्व नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर ए और बाकी अन्य से मिलकर ये बनते हैं, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा बस यही ध्यान रखना होता है कि कितने स्वर ऐसे हैं जिनका रहस्य नहीं बन सकता। तो चार स्वर है ये, इनका यहाँ पर एकमात्रिक स्वर नहीं बन सकता, ठीक है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? तो वृत्ताकार स्वर होते हैं जिनमें होंठों को गोल करके बोला जाता है, इनके होंठों को गोल, मुख को गोल करके बोला जाता है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं? ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। ये आपके वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके वृत्ताकार। अब देखिए अवृत्ताकार कौन कौन से होते हैं? अवृत्ताकार, अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? इन चारों को छोड़कर जितने स्वर बच गए वे सभी अवृत्ताकार हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अ आ, छोटी बड़ी री, ठीक है, ये हो गए एक दो तीन चार पाँच, और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बड़ी ए, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे सभी के सभी अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर कितने हो जाएंगे? चार, और अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे आपके सात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आगत स्वर भी होता है, आगत स्वर, आगत स्वर कौन सा होता है आपका? आगत स्वर होता है ये इसके ऊपर ये ऐसा लग जाता है। आगत स्वरों का जो प्रयोग होता है वो अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी का शब्द है एक डॉक्टर, देखिए जैसे कि डॉक्टर को लिखते हैं ना, डॉक्टर ऐसे लिख के और इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, तो ये देखिए आगत स्वर है। ये आगत स्वरों का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक के बारे में। तो देखिए अनुनासिक, अनुनासिक कौन सा होता है? जिसकी चंद्रबिंदु होती है, ठीक है, इसको अनुनासिक बोला जाता है। और अनुस्वार किसको बोला जाता है? जिसके ऊपर ये एक बिंदु होती है, ठीक है, इसको अनुस्वार बोला जाता है। और विसर्ग क्या होता है? जिसके पीछे दो बिंदी लगी होती है, इसको विसर्ग बोला जाता है। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। अनुनासिक जो होता है इसके उच्चारण में नाक से तो कम हवा निकलेगी और मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है। अब आप सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी यहाँ पर डेफिनेशन इसकी क्यों लिखी है? क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हुआ था, वीडियो री एग्ज़ाम अभी हुआ था 2023 में, उसमें जो पूछी गई थी यही परिभाषा पूछी गई थी कि नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यहाँ पर अनुनासिक कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिनके उच्चारण में नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है वे यहाँ पर अनुनासिक कहलाते हैं। और ये जो अनुनासिक है ये ज़्यादातर जो प्रयोग होते हैं ये तद्भव शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर गाँव, गाँव देखिए ये तद्भव शब्द हो जाएगा और इसके ऊपर ये चांद बिंदी लगी हुई है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दांत हो जाएगा, कांटा, चांद, पांच, ठीक है। तो ये इत्यादि जो भी शब्द होते हैं ये प्राय जो होते हैं तद्भव शब्दों में ही इसका अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? जिसके ऊपर एक बिंदी होती है, ठीक है। अनुस्वार के केस में देख लीजिए क्या होगा, इनके उच्चारण में मुख से कम और नाक से अधिक वायु निकलती है, ठीक है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अनुनासिक में तो यहाँ पर नाक से कम वायु निकलती थी, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार में क्या हो जाएगा, मुख से कम वायु निकलेगी और नाक से
ज्यादा वायु निकलेगी इनका उच्चारण करते समय, यानी कि इनको बोलते समय। ठीक है, तो उच्चारण में मुख से कम और नाक से अधिक वायु निकलती है, ठीक है, अनुस्वार की। और ये जो अनुस्वार होते हैं ये प्रायः तत्सम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितने हमारे तत्सम शब्द होते हैं ना उनमें प्रायः इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि चंद्र, चंद्र देखिए ऊपर चंद बिंदी लग गई है और ये अपने आप में तत्सम शब्द है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दंत, दंत में ऊपर चंद बिंदी लग गई है, चंद बिंदी नहीं मतलब खाली अनुस्वार लग गया है और यहाँ पर ये अपने आप में तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है, ऐसे गंगा, कंटक, पंच, तो इस तरीके से देख लीजिए जब हम तत्सम तद्भव पढ़ते हैं ना तो उसमें भी तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान करने के लिए अनुस्वार और अनुनासिक का ही प्रयोग किया जाता है। ये ज्यादातर बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नाक से कम वायु और मुख से अधिक वायु निकलेगी तो यहाँ पर आपका अनुनासिक हो जाएगा, और नाक से अधिक वायु और मुख से कम वायु निकलेगी तो आपका अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर एक देख लीजिए, विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, जिसके बाद में दो बिंदी होती है। ठीक है, इसको ही विसर्ग बोला जाता है। ये जो विसर्ग होता है ये संस्कृत के शब्दों के बाद जो स्वर होते हैं ना उनके बाद प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए यह संस्कृत शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर प्रातःकाल और दुख। ठीक है, ये प्रातःकाल और दुख, ये बात तो हमको समझ में आ गई कि इनमें विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये हमारी समझ में नहीं आई कि ये आखिर कैसे क्या कहना चाह रहा है। तो इसको चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। संस्कृत शब्दों में स्वर के बाद, अब देखिए जैसे कि ये दुख है, जो यहाँ पर ये शब्द दिया गया है इसका वर्ण विच्छेद करके हम आपको इसका बताएंगे। तो देखिए दुख का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, द इसके नीचे हलंत लगाएंगे, धन छोटा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर छोटा ऊ आ जाएगा, धन, फिर यहाँ पर ये विसर्ग आ जाएगा, फिर धन, फिर यहाँ पर ये ख आ जाएगा हलंत वाला, और फिर इसके बाद ए आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको अभी क्लास में पीछे जस्ट बताया था कि जितने भी वर्ण लिखे जाते हैं वो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर द है, ये द जो है ये स्वर की सहायता से लिखा गया है ना, इसमें यहाँ पर ये ऊ छुपा हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जो ये संस्कृत शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है ये कहा गया है ना, अब देखिए ये संस्कृत शब्द है अपने आप में और यहाँ पर देखिए स्वर के बाद, अब देखिए ये द हो गया, ये इसके बाद स्वर हो गया और ये इस स्वर के बाद यहाँ पर विसर्ग आया हुआ है। ठीक है, तो यही बात इसने कही गई है कि जो शब्द दिए गए होते हैं उनमें स्वर के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्वर है और इस स्वर के बाद यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए एक और प्रातःकाल जो दिया गया है इसमें भी देख लीजिए, जब ये प्रातः तय जो होगा ये किस तरीके से बना होगा, तय जो बना होगा ये तय प्लस ए ऐसे बना होगा। ठीक है, अब देखिए तय प्लस ए और इसके बाद यहाँ पर ये विसर्ग आ जाएगा, प्लस विसर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसने कहा है कि ये शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है विसर्ग को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों ही यहाँ पर आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वर्णमाला के अंतर्गत हमने यहाँ पर स्वर के बारे में बिल्कुल कम्प्लीट पढ़ लिया है, स्वर का कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचा हुआ है। तो कल के वीडियो में हम यहाँ पर व्यंजन को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्रम वाइज उसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।